इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर वन प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड्स तो बच्चों आज हमारा साइंस सब्जेक्ट शुरू हो रहा है ये हमारा इस सब्जेक्ट का पहला वीडियो है जिसका नाम है प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्लान कैसे खाने को प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टोर करते हैं मतलब प्लांट्स खुद के खाने को कैसे प्रिपेयर करते हैं और स्टोर करते हैं उसके पहले गेट स्टार्टेड करके एक एक्सरसाइज दे रखी है क्वेश्चन है जिसको हमें करना है अनस्क्रेम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ दिस लीव्स ये लीव्स हैं इनकी लीव्स को आपको रिकग्नाइज़ करना है पहचानना है और उनके नीचे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जो एक स्पेलिंग है उस प्लांट की उस लीव्स की जिसको आपको सोल्व करना है तो यह है फर्स्ट है लोटस की है सेकंड है पपाया थर्ड है बनाना देन मैंगो लास्ट है पीपल तो ये आपको पेंसिल से फिल करना है इस एक्सरसाइज में बुक में सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इन दिस ट्रीज इज दिस ट्रीज़ ये जो नीचे फोटो दे रखा है इस ट्री के बारे में बात चल रही है कि कितनी ग्रीन और ब्यूटीफुल है ये ट्री फुल ऑफ ग्रीन लीव्स पूरी ग्रीन लीव से भरी हुई है ग्रीन लीव्स ही क्यों है दूसरा कलर क्यों नहीं वाई most plants and trees है वाइडू मॉस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज है ग्रीन लीव्स क्यों अधिकतर सभी प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स में ट्रीज़ में तो क्यों होती हैं द प्रजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड कॉरोफिल मेक्स ए लीव ग्रीन तो एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है वो उसमें प्लांट में होता है उसी के कारण लीवस ग्रीन दिखाई देती है ओनली ग्रीन लीवस कैन मेक फूड फॉर द प्लान्ट ट्री सिंस दे कंटेंट क्लोरो क्लोरोफिल ग्रीन लीवस नीड एयर वाटर सनलाइट टू प्रिपेयर फूड तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन क्यों दिखती है लीवस कॉरोफिल के कारण कॉरोफिल ही वो सब्सटेंस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स और ट्रीज ग्रीन लीव्स को क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए फूड बनाने के लिए नीड एयर एयर चाहिए वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए ठीक है फूड फॉर प्लांट्स ए प्लांट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एयर इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीवस चेंज एयर एंड वाटर इन टू फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दिस लीवस फॉर प्रीपेरिंग फूड हैंस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नीडेड बाई लीव्स टू प्रिपेयर फूड तो इसमें आपको बताया है प्लांट्स को क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे वो खाना बनाते हैं तो प्लांट्स को क्या चाहिए वाटर चाहिए जो वो सॉइल से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से ले लेते हैं जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं इसके उल्टा हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सन लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स क्या करती है एयर और वाटर को फूड में बदलती है किसके फॉर्म में शुगर के फॉर्म में और सनलाइट क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है लीव्स को खाना बनाने के लिए तो हैंस क्या क्या चाहिए हमें आ, प्लांट्स को वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एंड सनलाइट लीव्स को खाना बनाने के लिए चाहिए फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर ठीक है फोटो का मतलब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है सबको एक साथ जोड़कर रखना पुटिंग टुगेदर एक साथ सिंस सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू प्रिपेयर फूड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस तो ये इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये मतलब हर क्लास में इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्स में भी आता है फोटोसिंथेसिस क्या है ठीक है तो एक बार मैं आपको इसकी पूरा वापस बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस क्या है सिंस सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड सन जो है वो ज़रूरत रहती है कहीं के लिए फाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ जोड़ के रखने के लिए खाना बनाने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस मैं और आपको इसको आसान शब्दों में इंग्लिश में बता दूँगा ठीक है तो यहाँ पे एक इमेज देखें वन पॉइंट टू ये ये लीव्स है ग्रीन कलर की और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है सनलाइट भी इसके ऊपर आ रही है और ऑक्सीजन को ये छोड़ रही है और वाटर कहाँ से आ रहा है रूट्स से ठीक है इस तरीके से ये खाना बना रही है पार्ट ऑफ ए लिप ऑफ लीव्स के हम पार्ट को पढ़ेंगे टेक ए पीपल लिव्स ऑब्जर्व द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव यू विल सी ए मैन वैन रनिंग अलॉन्ग सेंटर ऑफ द लीव्स इट हैज नंबर ऑफ साइड वैन्स द वैन द मैन वैन इज कॉल्ड्रीप मिड्रीप इट इज फॉर्म बायल पाइप लाइन ऑफ सेल्स वन पाइप लाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीवस द अदर कैरीज प्रिपेड फूड फ्रॉम द ग्रीन सेल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तो ये बता रहे हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी आप पत्ती लेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसमें क्या होता है आ, जब आप देखेंगे तो उसके लोअर सरफेस पे आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी वैन्स हैं जो सेंटर पे जा रही है लीव के और एक बहुत एक इट हैज़ ए नंबर ऑफ साइड वैन्स और साइड में भी वेंस है और जो मेन वेन होती, होती है उसको बोलते हैं मीटरी जो कैसे फॉर्म होती है डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स से। है ठीक है तो वन वन पाइपलाइन जो है वो क्या करती है डबल पाइपलाइन है उसमें तो एक पाइपलाइन क्या करती है कि वाटर और मिनरल को पहुँचाती है ठीक है मिनरल को पहुँचाती है सेल के सेल लीव्स के सेल के पास जितने भी लीव्स के सेल हैं उन सबके पास वाटर और मिनरल्स तो पहुँचाने का काम किसका है एक पाइपलाइन का अदर पाइपलाइन क्या करती है जो फूड प्रिपेयर होता है ग्रीन सेल में उसको पार्ट्स के डिफरेंट प्लांट्स uh, के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाना जैसे इसमें बोला है डबल पाइपलाइन है तो वन पाइपलाइन तो वाटर और मिनरल्स पहुँचाएगी दूसरी पाइपलाइन जो ग्रीन सेल ने फूड प्रिपेयर किया है वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुँचाएगी ऑन द अदर साइड ऑफ ए लीव्स आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा और जो अदर साइड है लीव्स के दूसरी तरफ क्या होता है स्टोमेटा होता है छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं उसमें होता है स्टोमेटा ये स्टोमेटा का फोटो दे रखा है इस्टोभा थ्रू है माइक्रोस्कोप तो ये इतनी आसानी से हमें नहीं दिखेगा उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तो ड्यूरिंग प्रोटो फोटो इन फोटो सिंथेसिस लिव्स टेक्स इन फोटो सिंथिस प्रोसेस में क्या होता है लिवस क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और बाहर ऑक्सीजन छोड़ती है एंड वाटर वेपर थ्रू इस्टोमेटा और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर वेपर स्ट्रोमेटा के थ्रू मतलब वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है ना वेपराइज हो जाता है हाउ डू प्लांट यूज देयर फूड प्लांट अपना फूड कैसे यूज़ करते हैं द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में यही पढ़ा है कि प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स वगैरह वो किसके फॉर्म में होते हैं सिंपल शुगर इट इज़ यूज इन ए नंबर ऑफ वेव्स बाय द प्लांट और वो अलग अलग प्रकार से प्लांट यूज़ करते हैं इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी प्लांट्स में एनर्जी बनी रहे और सम ऑफ इट्स यूज फॉर ग्रोथ कुछ ग्रोथ के लिए मतलब प्लांट्स की ग्रोथ होती रहे वो बढ़ते रहे आगे वो बड़े होते रहे एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है स्टेम में और रूट्स में भी कहाँ कहाँ पर होता है एक्स्ट्रा फूड स्टोर लीव्स में स्टेम में और रूट्स में ठीक है या तो लीव्स में होगा स्टेम में होगा या फिर रूट्स में होगा किसके फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में वी नीड दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच एज फूड इन इट तो हमें कौन सा पार्ट खाना चाहिए प्लांट का जिसमें फूड उनका इस्टोर हो वी इट दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच एज फूड स्टोर इन इट जिसमें वो फूड स्टोर करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वन पॉइंट फोर में कुछ फोटोज़ दे रखे हैं फूड इज़ स्टोर इन द फ्रूट्स लीव सीड रूट्स और स्टेम ऑफ प्लांट तो फूड जो है कहाँ कहाँ पर स्टोर करते हैं प्लांट्स या तो फ्रूट्स में या लीव्स में या सीड्स में या रूट्स में या स्टेम ऑफ द प्लांट तो ये एग्जाम्पल दे रखा है जैसे अब प्लांट ने अपना फूड कहाँ पर स्टोर करा जो एक्स्ट्रा फूड था फ्रूट के रूप में तो हम फ्रूट के रूप में क्या खाते हैं मैंगो और जिस प्लांट ने अपना स्टार्च कहाँ पर स्टोर करा है लिवस के फॉर्म में तो उसके हम लीव्स खाते हैं जैसे स्पिनच मतलब एग्जाम के लिए एग्जाम्पल के लिए पालक पीज यानी सीड्स वो उसके सीड्स में स्टोर करता है तो पीज मतलब मटर कैरोट कैरोट क्या है रूट है गाजर जो हम खाते हैं वो क्या है उस प्लांट की रूट खाते हैं हम ठीक है तो कैरोट के फॉर्म में हम उसको लेते हैं शुगर कैन तो शुगर कैन आपने देखा है गन्ना गन्ने की हम क्या खाते हैं स्टेम ठीक है इस तो इसमें वो स्टार्च जो है स्टोर होता है चेक पॉइंट है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस जिन्हें ऑप्शन दे रखे हैं लीव फ्लावर रूट तो लीव में इसलिए इस पर सर्कल करना है आपको द मेन जो मेन क्या है वेन है लीव है स्टैम है इस फॉर्म बाइट जो डबल पाइपलाइन के सेल से बनी तो वे ने है तो वेन है वो एस्टोमेटा प्रेजेंट स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है ऑन द अंडर साइड ऑफ ए रूट स्टेम या लीव स्टोमेटा हमेशा कहाँ पर होता है लीव पत्तियों पर होता है प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट अप द फूड किसके फॉर्म में स्टोर करता है स्टार्च साल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका आएगा स्टार्च अब कुछ हम अनयूजल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे सम प्लांट्स लाइक द केक्टस डो नॉट हैव लीव्स कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि केक्टस इनकी लीव्स नहीं होती है वेयर देयर देन इज देयर फूड मेड अगर इनकी लीव्स नहीं है तो फिर वो खाना कैसे बनाएंगे और कहाँ पर बनता है तो इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम तो जिनकी लीव्स नहीं है वो कहाँ पर बनाते हैं उनकी ग्रीन स्टेम में उनकी स्टेम कैसी होती है ग्रीन अभी हम आगे ऊपर फोटो देखेंगे मॉल्स एंड मशरूम्स आर ऑल्सो नॉन ग्रीन प्लान्ट दे डोनॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नाट मेक देयर फूड तो यहाँ पर दो प्लांट्स के और नाम बताएं जिनकी लीव्स भी नहीं होती है और उनके पास ग्रीन कलर के भी नहीं होते और क्लोरोफिल भी नहीं होता है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इसलिए वो प्लांट ग्रीन भी नहीं है दे गेट देयर फ्रोम फूड फ्रॉम डेड एंड डे के ही प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको उनका फूड कहाँ से मिलता है जो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं या मुरझा जा जाते हैं उनसे द लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक द क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे क्रोटोन का यहाँ पर नाम लिखा है क्लोरोफिल तो होता है पर वो ग्रीन की जगह कौन से कलर के दिखते हैं डार्क रेड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सब्सटेंस जेट हाइट द ग्रीन क्लोरोफिल तो ये क्यों होता है क्योंकि उस प्लांट में क्लोरोफिल के अलावा भी रेड सब्सटेंस कुछ होता है जो ग्रीन कलर को दबा देता है क्लोरोफिल के डस फोटोसि फोटोसिथेसिस टेक प्लेस इन सच ल्यूज तो क्या ऐसी ल्यूज जो रेड कलर की हुए तो उसमें फोटोसिथेसिस प्रोसेस करता है यस yes, करता है क्यों क्योंकि उसमें क्लोरोफिल तो है पर वो क्या हुआ है रेड सब्सटेंस के कारण ग्रीन नहीं दिख रहा है तो यस इट डज बिकॉज़ क्लोरोफिल इज प्रजेंट तो अभी हमने जैसे यहाँ पर कैक्टस का नाम पढ़ा तो ये कैक्टस का प्लांट है इसमें लीव्स नहीं होती है तो ये इनकी स्टेम है यही खाना बनाती है ये मॉल्स ऑन वॉशरूम बताया है तो इसका क्या बताया उन्होंने कि ये रेड ग्रीन कलर के नहीं होते हैं ठीक है थीके? और दूसरा बताया क्लोटोन तो ये ग्रीन कलर के नहीं डार्क रेड कलर का भी होता है तो रेड कलर का है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी लीव्स खाना नहीं बनाएंगी रेड कलर है पर उसमें क्लोरोफिल भी है और क्लोरोफिल है तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस होगी तो मतलब खाना भी प्रिपेयर होगा अब यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट वन एक्सपेरिमेंट टू एंड एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं पर हम ये घर पर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें कुछ केमिकल है कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनकी ज़रूरत रहेगी वो हमारे घर पर इसलिए नहीं मिलते हैं तो जब भी पॉसिबल होगा क्लास सेशन शुरू होंगे जब भी हमारी क्लास लगेगी स्कूल में तब हम आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो ये आप आ जाइए पेज नंबर वन हंड्रेड एट्टी फोर पर लिविंग एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स अब एनर्जी कैसे फ्लो करती है लिविंग थिंग्स में वो हम पढ़ेंगे वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है फूड से बोलते हैं ना मम्मी आपसे पापा सब बोलते हैं टीचर भी कि बेटा खाना खाना, खाना चाहिए टाइम से अगर सही से खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी हम काम कैसे करेंगे क्यों क्योंकि खाना खाने से क्या होता है हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलती है तो हम क्या कर पाते हैं सब काम अच्छे से कर पाते हैं सारी एक्टिविटी हम अच्छे से कर पाते हैं दिस फूड इज़ प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट और ये फूड कहाँ से मिलता है हमें ग्रीन प्लांट से ग्रीन प्लांट ट्रेप द सन एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड दिस एनर्जी इज पास ह्यूमन एंड एनिमल वेन दे ईट द प्लांट्स तो अब देखें आप पूरी इसमें साइकिल दे रखी हुई एनर्जी की कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो खाना बनाते हैं कैसे सन की एनर्जी को यूज़ करके सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से और वो एनर्जी कहाँ पास होती है ह्यूमन यानि इंसानों में और एनिमलों में जब कब जब वो इन प्लांट्स को खाते हैं दिस वे एनर्जी फ्लोस फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग इस तरीके से जो एनर्जी है सन से प्लांट में जाएगी और प्लांट से एनिमल में या फिर प्लाट से ह्यूमन बींग में इंसानों में एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन एजेटर अब एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड है कैसे तो एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है एनिमल एंड ह्यूमन नीड टू नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एनिमल और ह्यूमन बींग मतलब इंसानों को और जानवरों को क्या चाहिए एक तो खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए प्लांट गिव देम दिस फूड एंड ऑक्सीजन और यह चीज़ हमें कौन देता है प्लांट्स प्लांट्स हमें फूड देते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं और प्लांट्स को क्या चाहिए बदले में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड और एनिमल ह्यूमन ब्रीथ आउट क्या करते हैं हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कौन के काम में आती है प्लांट के दिस इज यूज बाय प्लांट्स सो प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंडिंग ऑन ईच अदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है एक दूसरे पर डिपेंड है और इंसान भी अब बैलेंस इन नेचर नेचर में कैसे बैलेंस बना रहेगा प्रगति में ए बैलेंस नीड टू बी मेंटेन बिटवीन द नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स क्या होगा अब बैलेंस भी होना जरूरी है क्या होगा अगर बहुत सारे एनिमल्स बढ़ जाएं एकदम से तो क्या होगा प्लांट में नॉट बी एबल टू तो सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स तो क्या होगा प्लांट इतना सारा फूड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे और इफ़ देर इज ए सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स और अगर सडनली बहुत सारे प्लांट्स हो जाएँ सब दूर प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाए तो क्या होगा द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिड आउट बाई एनिमल्स मे नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट्स तो जो एनिमल्स या इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो इनफ नहीं रहेगी प्लांट्स के लिए सफिशियंट नहीं रहेगी क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो बहुत सारे हो गए पर एनिमल या इंसान तो उतने ही हैं तो एक उनको बराबर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी सिमिलरली इफ़ देर इज अ सडन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल्स इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर और इसी प्रकार अगर ये लोग इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज हो जाते हैं कम हो जाते हैं या तो प्लांट्स या एनिमल्स तो क्या होगा तो भी नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा है ना प्रगति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो टू तो मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ तो ये संतुलन बनाने के लिए बैलेंस बनाने के लिए प्रगति का क्या करना है हमें प्लांट की तो प्रोटेक्शन करना ही है साथ साथ में एनिमल के भी ध्यान रखना है एनिमल्स की लाइफ की जबरदस्ती जानवरों को नहीं मारना है खत्म नहीं करना है और ज़्यादा जाद से ज़्यादा क्या लगाना है पेड़ पौधे हमें लगाना है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत क्या हुआ है कि जो जंगली जानवर है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है एक फॉरेस्ट एरिया रहता है जिसको रिजर्व कर दिया जाता है कि इसमें इंसानों का जाना या इसमें पेड़ पौधे काटना अलाउ नहीं है यह सिर्फ जानवरों के लिए है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़ तो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बने हुए हैं प्रोग्राम लाइक वन महाोत्सव हेल्प प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज पीपल आर मेड अवेयर ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज बाय कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज़ और कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वन महोत्सव जैसे जो क्या प्रमोट करते हैं लोगों को बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और ये अवेयर करे जाते हैं कि अगर हम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो वो उसका एक हार्मफुल इफ़ेक्ट आएगा उसका एक विनाशकारी नतीजे आएंगे इफ़ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ टू गो ऑन ए बैलेंस नेचर मस्ट बी मेंटेन अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर अर्थ पर लाइफ ऐसी ही चलती रहे तो हमें क्या करना होगा बैलेंस करना होगा बैलेंस रखना ज़रूरी है उसको मेंटेन करना होगा जैसे इस फोटो में बता बैलेंस इन नेचर मजब बी मेंटेन फॉर लाइफ ऑफ ऑल टू गो ऑन है ना इधर तो एनिमल है तराजू में एक साइड और एक साइड क्या है प्लांट्स है मतलब एक साइड फॉरेस्ट और एक साइड वाइल्ड लाइफ है तो ये यह चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ मैं आपको फोटो सिंथेसिस का इसमें बता देता हूँ ये डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोटो सिंथेसिस क्या है द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लांट बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मतलब खाना बनाने की प्रोसेस को ग्रीन लीव्स जो खाना बनाने की प्रोसेस करता है प्लांट के अंदर उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा क्या है ओपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ ए लीव्स लीव्स के अंडर साइड जो लीव्स के दूसरी तरफ नीचे की तरफ स्टोमेटा नाम का एक पोर्स होते हैं छोटे छोटे ठीक है, आ, है, चोटे -चोटे है। मैंने आपको बताया था जो माइक्रोस्कोप से ही हम देख पाएंगे क्यूक्रिकेप में हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है वो है क्यूक्रिकेप जल्दी जल्दी मैं आपको इसमें बता देता हूँ हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लांट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है ये वही लिखा है कि जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन सब की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए प्लांट को लीव्स है वे लीव्स में क्या है स्टोमेटा है टू टेक कार्बन स्टोमेटा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है एंड वाटर वेपर को भी और वेंस क्या करती हैं वेंस टू कैरी वाटर एंड फूड वेंस क्या काम करती है जो प्लांट्स में वेंस होती है जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं जो ब्लड सेल या कुछ भी है हमारा जो हम खाना खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाते हैं वैसे ही वही काम यहाँ पर वेंस करती है खाना और पानी को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का ग्रीन सेल क्या करते हैं ग्रीन सेल होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल है इसलिए वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं जो खाना बनाने का काम करते हैं द फूड मेड बाय लीव इज़ यूज जो खाना लीवस बनाती है वो कैके के काम में आता है यूज़ टू गेट एनर्जी प्लांट्स को उससे एनर्जी मिलती है ग्रोथ होती है और बचा हुआ खाना वो क्या करते हैं स्टोर कर देते हैं लीव्स में स्टेम में या फ्रूट्स में या रूट्स में किसके फॉर्म में स्टार्च के याद रखना आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड्स अपना जो रिमेनिंग फूड है सॉरी प्लांट्स है जो अपना रिमेनिंग फूड्स है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं द एनर्जी फ्रॉम द सन इज स्टेप बाई प्लांट्स एंड देन पास ये मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल है एनर्जी की तो वह एनर्जी कैसे होती है ह्यूमन तक या एनिमल तक कहाँ कैसे पहुँचती है तो सन की जो एनर्जी वो प्लांट्स ट्रैप्ट कर लेते हैं अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं फिर हम लोग एनिमल या प्लांट्स खाते हैं सॉरी एक बार और मैं आपको बता दूँ जो एनर्जी है सन की वो प्लांट्स ट्रैप्ट कर लेते हैं फिर वो प्लांट्स को हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है वही एनर्जी ऐसे ही एनिमल्स के साथ हैं एनिमल्स वो प्लांट्स को खाएंगे तो वो कहाँ पर पास हो जाएगी वो एनर्जी प्लांट से एनिमल में चली जाएगी लास्ट पॉइंट है एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल मैंने आपको भी लास्ट टॉपिक समझाया ना कि एनिमल और प्लांट्स सर्वाइवल के लिए जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है इसमें हम ह्यूमन बींग भी जोड़ सकते हैं सेम एज इट इज़ ह्यूमन बींग का भी ह्यूमन बींग एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल सर्वाइवल बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज नीडेड फॉर ये भी अभी लास्ट लाइन मैंने आपको उधर टॉपिक में समझाई थी कि बैलेंस होना जरूरी है पृथ्वी पर है ना जिंदा रहने के लिए या अर्थ को ऐसे ही चलते रहने के लिए तो ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज नीडेड फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू गो ऑन बात समझ में तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा